भगवान सहस्त्र बाहु को लेकर दिए गए बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भोपाल के अलग अलग इलाकों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इनमें धीरेन्द्र शास्त्री से भगवान सहस्त्र बाहु को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग की गई है। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के बैतूल में शुक्रवार को कलार समाज ने प्रदर्शन कर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। कलार समाज ने एक साथ 17 पुतले भी दहन किए थे। कथावाचन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कलार समाज के आराध्य देव राजराजेश्वर सहस्त्र बाहु के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर कलार समाज में नाराजगी है। कलार समाज के लोगों ने बैतूल जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर किया था। इसी के साथ कलार समाज के अध्यक्ष मनोज आर्य ने रैली निकालकर बैतूल SP को ज्ञापन सौंपकर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी। कलार समाज ने ज्ञापन में चेतावनी दी थी कि अगर FIR नहीं हुई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। बता दें कि कुछ समय पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट करते हुए अपने बयान पर खेद जताया था। उन्होंने कहा था कि विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। उन्होंने आगे कहा था कि एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी और महाराज सहस्त्र बाहु अर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया है वह मेरे हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज और वर्ग की भावनाओं को आहत करने के नहीं था, ना ही कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो उसका हमें खेद है। हम सब हिंदू हैं, एक रहेंगे, हमारी एकता ही हमारी शक्ति है।